हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मेरा सोनी A1 आ चुका है। मैं इस कैमरे का बहुत बेताबी से वेट कर रहा था। मेरे लिए ये अभी तक का मोस्ट एक्सपेंसिव कैमरा है मेरी लाइफ का। तो मेरे को आप लोगों को एक तो इसका अनबॉक्सिंग वीडियो करके बताना है, एंड प्लस इसी वीडियो के अंदर मैं आपको ये दिखाऊंगा कि मैंने ये कैमरा क्यों लिया, ऐसे क्या फीचर्स हैं जिसकी वजह से मैंने A7 R4 और R3 को छोड़ के, मतलब पहले वैसे मेरे पास R3 है, R4 भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अब मैंने ये A1 क्यों लिया, उनके ऊपर मैं इस कैमरे को क्यों यूज़ करना चाहूँगा, इसके बारे में मैं आज आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। स्पेशल इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, और फीचर्स के साथ साथ आपको ये जानना ज़रूरी है कि वो फीचर काम कहाँ पर आते हैं। जब आपको ये मालूम चल जाएगा कि ये फीचर्स कहाँ काम आते हैं, तो आप शायद इसको ज़्यादा बेहतरी से समझ पाएंगे कि ये फीचर्स क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग इसका अनबॉक्सिंग वीडियो करते हैं। मैंने भी ये कैमरा सिर्फ काफ़ी जनवरी से ही मैंने इसका वेट कर रहा हूँ, और अभी ये मेरे पास पहुँचा है। मैं जस्ट इसको ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या नए फीचर। ओके दोस्तों, तो इसके अंदर सबसे पहले हम ये गारंटी कार्ड्स, सम डॉक्यूमेंटेशंस, कार्ड डिटेल्स, ये सब कुछ है। साथ में इसके अंदर ये USB 3 Type-C का केबल है, प्लस ये एक कनेक्टर है जो कि HDMI केबल को और जो भी आप केबल कनेक्ट करेंगे उसको कनेक्ट करके उसको, ताकि ये उससे एकदम से बाहर ना आ जाए, उसके लिए कनेक्टर दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कनेक्टर, क्योंकि केबल्स बहुत हैवी होती है, ऐसे में अगर आप कैमरे को साथ में केबल लगाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहते हैं। तो मैं भी आपको सजेस्ट यही कहूँगा कि कल को अगर कभी भी आप HDMI केबल और या कोई भी और केबल लगाते हैं तो आप ये कनेक्टर को ज़रूर इस्तेमाल करें, इससे आपकी केबल भी सेफ रहेगी और कैमरा भी सेफ रहेगा। तो ये कनेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेल्ट है, बेल्ट पे A1 का बैजिंग है, और जब हम इसको हैंग करेंगे तो नेचुरली A1 दिखेगा। इसके अलावा इसमें ये चार्जर है, एंड चार्जर के साथ में पावर केबल है, पावर केबल आया है। नाउ ये मेरा कैमरा बॉडी है, वाओ सुपर। नाउ फैंटास्टिक, थोड़ा सा इसका ग्रिप मेरे को पहले से बेहतर लग रहा है, काफ़ी थोड़ा सा इस पर थिकनेस भी काफ़ी बेटर लग रही है। आई थिंक मज़ा आएगा। वेट, एंड साथ में ये कैमरा बैटरी है, इनको मैं सबको एक बार साइड में रख देता हूँ, एंड मैं आपको इसके कुछ फीचर्स के बारे में बताता हूँ जिसकी वजह से मैंने ये कैमरा लिया है। तो दोस्तों, A1 ये वर्ल्ड का इस समय सबसे फास्टेस्ट कैमरा है, हाई रिजोल्यूशन के साथ साथ। अभी तक प्रॉब्लम ये हो रहा था कि अगर हम लोग वीडियो बनाना चाह रहे थे तो वीडियो के लिए जो सबसे बेस्ट कैमरा इस समय जो हमको मिलता है वो A7S3 मिलता है, जो कि 4 lakhs ISO तक सपोर्ट करता है, और उसके अंदर LCD पूरा वीलॉगिंग की जैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, एंड नॉर्मल कैमरा की जैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, टिल्टेबल LCD होती है। उस कैमरे में मेगापिक्सल 12 होते हैं। तो जैसा कि मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं ट्रैवल एंड लैंडस्केप फोटोग्राफर के साथ साथ एक कमर्शियल फोटोग्राफर भी हूँ। कमर्शियल फोटोग्राफी में मैं प्रोडक्ट्स बहुत शूट करता हूँ, खासतौर से ज्वेलरी, ग्रेनाइट्स, एंड काफ़ी सारे हैंडीक्राफ्ट्स मैं शूट करता हूँ, फर्नीचर शूट करता हूँ, एंड उसके अलावा इंटीरियर फोटोग्राफी भी बहुत करता हूँ। तो बहुत सारी जो मेरी कमर्शियल फोटोग्राफी है वो स्टैटिक फोटोग्राफी होती है, उसमें ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं होते हैं, लोग उसमें कम इन्वॉल्व होते हैं। जैसे ज्वेलरी का अगर मैं शूट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट शूट कर रहा हूँ, तो ऐसे में मेरे लिए रिजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रिंटिंग के लिए जॉब जाते हैं, बिलबोर्ड्स बनते हैं, बहुत हाई रिजोल्यूशन प्रिंट्स बनते हैं, एग्जीबिशन के अंदर काफ़ी सारा उसका फोटोग्राफ्स का यूज़ होता है। तो उस वजह से मेरे को हाई रिजोल्यूशन चाहिए, और अभी तक के जो हाई रिजोल्यूशन कैमरा में सबसे जो बेस्ट रिजोल्यूशन वाला कैमरा है, जो कि मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, उसका नाम है A7R4, वो 61 मेगापिक्सल का है। लेकिन अब आजकल कभी कभी मैं वीडियो भी बनाता हूँ, तो मेरे को वीडियो भी चाहिए 4K, कम से कम 4K 120fps का ज़माना आ चुका है। 4K 30fps तो उसमें है A7R4 में, लेकिन 4K 120fps उसमें नहीं है। इस कैमरे में 4K 120fps के साथ साथ ये कैमरा 8K भी सपोर्ट करता है।
तो अगर मैं 8K वीडियो भी कभी बनाना चाहूँ, अभी आने वाले जमाने में तो नेचुरली उसकी जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, तो अगर मैं 8K वीडियो भी बनाना चाहता हूँ तो ये 8K वीडियो भी सपोर्ट करता है 30 FPS के ऊपर। लेकिन अभी भी अगर मेरे को 8K वीडियो बनाना है, फॉर एग्जांपल मैं कहीं जा रहा हूँ और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि इसका कौन सा फ्रेम मेरे लिए यूज होगा, जहाँ पे मेरे को क्लियर नहीं है कॉम्पोजिशंस वगैरह, तो वहाँ पे अभी भी अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो शायद 8K ही बनाऊंगा। 8K का बेनिफिट ये होगा कि मैं उसका काफ़ी सारा हिस्सा क्रॉप करके भी 4K या फुल HD वीडियोस डिफरेंट पार्ट के मैं निकाल सकता हूँ। तो मेरी 8K वीडियो के कारण एक क्रॉपिंग एबिलिटी बढ़ जाती है वीडियोस के अंदर। अगर मैं सपोज करिए एक कॉर्नर पे कोई सी सब्जेक्ट को प्लेस किया और कुछ एनवायरमेंटल मैं पोर्ट्रेट वीडियो बना रहा हूँ, तो उसमें अगर कल को मैं इंटरव्यू के लिए अगर सपोज कीजिए इंडिविजुअल उस कॉर्नर को भी अगर यूज़ करना चाहूँ तो मैं 8K वीडियो के बाद कर सकता हूँ। तो फ्यूचरिस्टिक अगर हम अप्रोच को देखें तो आज की तारीख के अंदर 8K प्लस 4K 120 FPS एंड वो भी किस कैमरे में, एक 50 मेगापिक्सल के कैमरे में, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। आज की तारीख में मेरे को कैमरा चाहिए हाई मेगापिक्सल एज ए स्टिल फोटोग्राफर, और साथ में मेरे को वीडियो सेंट्रिक भी कैमरा होना चाहिए, तो उसके लिए सिर्फ एकमात्र यही तरीका मेरे पास में बचता है कि सिंगल बॉडी के अंदर मेरे को ये चीज़ मिल रही है। इसके अलावा मैं कभी कभी स्टिल फोटोग्राफ से भी वीडियो बनाता हूँ। स्टिल फोटोग्राफ से वीडियो तो बहुत लोग बनाते हैं लेकिन स्टिल रॉ फाइल से, तो 20 FPS एंड 30 FPS अगर मेरे को मिलता है तो मैं 5-5 सेकंड्स के क्लिप्स शूट करके रॉ फाइल से भी वीडियो बना सकता हूँ। आप मेरे YouTube के ऊपर जब जाएंगे तो आपको एक A9 का वीडियो मिलेगा उसके अंदर, जो कि मैंने A9 की रॉ फाइल से क्रिएट किया है, तो वो आपको मालूम चलेगा कि क्यों कई बार हमें बहुत ही ज़्यादा हाई डायनेमिक रेंज की जरूरत पड़ती है जो कि मैं सिर्फ रॉ फाइल से अचीव कर सकता हूँ। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये 16-bit का रॉ आउटपुट भी देता है अगर आप एक्सटर्नल रिकॉर्डर यूज़ करते हैं तो। A1 कैमरा 16-bit का HDMI के थ्रू आपको रॉ वीडियो भी फुटेज देता है, प्लस इसके अंदर जो 4K 120 FPS और 4K जो वीडियो है 60 FPS का, वो 4:2:10 का वीडियो जो कि नेचुरली बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। पुराना जो हम सिस्टम यूज़ करते थे उसमें 8-bit वीडियो होता था, जैसे A7R4 में एंड A7R3 में, तो वो वीडियो अब नेचुरली थोड़ा सा कम यूज़ हो रहा है। आजकल लोग सब 10-bit 4:2:2 का वीडियो मांग रहे हैं। अब बात आती है स्टिल फोटोग्राफी में, मैंने इसको क्यों ऑप्ट किया। जब स्टिल फोटोग्राफी में A7R4 है मेरे पास में, तो फिर मैं इसकी मेरे को इसकी क्या ज़रूरत है। दोस्तों एक्चुअल में एक बहुत जो लोग शूट करते हैं फ्लैश फोटोग्राफी जो लोग करते हैं उनको ये मालूम है कि फ्लैश सिंक्रोनाइजेशन क्या चीज़ होती है। अभी तक मैं जो फ्लैश सिंक्रोनाइजेशन यूज़ कर रहा था मैं 250 का यूज़ कर रहा था, एंड पुराने ज़माने में जब एनालॉग टाइम के ऊपर हम लोग हेजलब्लैड कैमरा यूज़ करा करते थे लीफ शटर के साथ में, उसमें 500 का सिंक्रोनाइजेशन हुआ करता था। ये वन स्टॉप का 5 सिंक्रोनाइजेशन भी बहुत मैटर करता है। तो ये कैमरा वर्ल्ड का पहला 30mm का फुल फ्रेम कैमरा है जो आपको 1:400 का सिंक्रोनाइजेशन सपोर्ट कर रहा है, और अगर आप इसको क्रॉप मोड पे यूज़ करते हैं मतलब 21 मेगापिक्सल पे अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो ये 1:500 का सिंक्रोनाइजेशन आपको देता है। पहले A7R4 में पिक्सल चिप टेक्नोलॉजी दी थी इन्होंने, जिससे कि पिक्सल चिप टेक्नोलॉजी दो तरीके से यूज़ की जाती है। अगर आप 4 फ्रेम शूट करके पिक्सल शिफ्ट को यूज़ करते हैं तो 4 फ्रेम में पिक्सल शिफ्ट जो होता है वो आपको पूरा RGB का इंफॉर्मेशन देता है, पूरा RGB एरे का इंफॉर्मेशन देता है, जिसकी वजह से आपकी कलर क्वालिटी एंड टोनल वैल्यूज़ फोटोग्राफ में बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है सेम मेगा पिक्सल पे। एक और तरीका है कि वही चीज़ ये 4 टाइम्स करता है, मतलब 16 शॉट्स में आपको उस शॉट्स यूज़ करने होते हैं, उससे आपका रिजोल्यूशन 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो पिक्सल चिप टेक्नोलॉजी है अगर मैं उसको यूज़ करता हूँ तो मैं 200 मेगापिक्सल तक की फाइल विद RGB फुल RGB इंफॉर्मेशन के साथ में मैं पिक्चर क्रिएट कर सकता हूँ, जो कि मेरे लिए कमर्शियल फोटोग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट है। A7R4 में भी था, लेकिन A7R4 क्योंकि ये पिक्सल चिप टेक्नोलॉजी जो होती है ये इलेक्ट्रॉनिक शटर पे काम करती है, और इलेक्ट्रॉनिक शटर के अंदर फ्लैश फायर पहले नहीं होता था, फ्लैश सिंक्रोनाइजेशन आप यूज़ नहीं कर सकते थे। इस वजह से मैं सिर्फ अवेलेबल लाइट वाली जो जगह होती थी जहाँ पे मैं फ्लैशेस का यूज़ नहीं कर रहा हूँ सिर्फ वहीं पे मैं पिक्सल शिफ्ट को यूज़ कर पाता था। लेकिन इस कैमरे ने बहुत सारी चीज़ें बदल दी, इसमें एक बहुत
इंटेलिजेंटली डिजाइन किया हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स शटर बनाया है इन लोगों ने, जो कि मेरे को इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश पे भी फ्लैश सिंक्रोनाइजेशन अलाउ करता है, मैं उसमें फ्लैश फायर कर सकता हूँ। तब मैं अब आज के बाद में अगर मैं सपोज करिए कोई ज्वेलरी शूट करता हूँ या कोई मैं ग्रेनाइट शूट करता हूँ जिसके कि मेरे को बहुत हाई बहुत बड़े एनलार्जमेंट्स की ज़रूरत है, तो मैं पिक्सल शिफ्ट को विथ फ्लैश जो मेरा स्टूडियो सिस्टम होता है उस पर यूज़ करके बहुत ही अच्छी क्वालिटी के स्टिल्स मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ। उसके लिए सोनी का खुद का सॉफ्टवेयर आता है, कुछ अदर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स भी आता है, उस पिक्चर के अंदर आप ARQ फाइल क्रिएट करके आप उन फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं और इन प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये जो स्टिल फोटोग्राफी के लिए दो मेजर इंपॉर्टेंट फीचर मैंने आपको बताया, पहला तो 1/400 एंड 1/500 का सिंक्रोनाइजेशन, दूसरा पिक्सल शिफ्ट के साथ में इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश का सिंक्रोनाइजेशन, और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक शटर के ऊपर फ्लैश सिंक्रोनाइजेशन। आज की तारीख के अंदर फॉर एग्जाम्पल मेरे को बहुत ज़्यादा शूट्स करने हैं, आपको मालूम होगा कि मैकेनिकल शटर की लाइफ होती है, जैसे इस कैमरे के मैकेनिकल शटर की हालांकि बहुत ज़्यादा लाइफ है, इतनी लाइफ है कि हम लोग इसकी पूरी यूज़ नहीं कर सकते हैं लाइफ को, 5 लाख शटर की इसकी लाइफ है मैकेनिकल शटर की। लेकिन अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक शटर यूज़ करता हूँ तो मेरे मैकेनिकल शटर की लाइफ भी सेव होती है। तो आपको मैं बता दूँ कि पहले के जो इलेक्ट्रॉनिक शटर्स होते थे उनको हम लोग ज़्यादातर सिर्फ ब्राइट लाइट में यूज़ कर पाते थे, सन लाइट में यूज़ कर पाते थे, जहाँ ये CFL या कुछ डिफरेंट लाइट सोर्स आ जाते थे जिसकी फ्रिक्वेंसी उससे मैच नहीं कर पाती थी तो हल्के फ्लिकर आ जाते थे, एंड उसकी वजह से हम लोग हर जगह इलेक्ट्रॉनिक शटर को यूज़ नहीं कर सकते थे। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक शटर है जिसमें ऑलमोस्ट डिस्टॉर्शन फ्री इलेक्ट्रॉनिक शटर है, आपको कोई डिस्टॉर्शन नज़र नहीं आएगा, एंड दूसरा इसके अंदर आपको जो है बेंडिंग एंड या फ्लिकर बिल्कुल नहीं आएगा। तो मैं इस इलेक्ट्रॉनिक शटर को अब नॉर्मल यूज़ में भी यूज़ कर सकता हूँ, इवन फैशन फोटोग्राफी में यूज़ कर सकता हूँ, प्रोडक्ट फोटोग्राफी में यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए इलेक्ट्रॉनिक शटर इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जैसा कि मालूम है कि मैं बहुत सारे टाइम लैप्सेस बनाता हूँ मिल्की वेज के, स्टार ट्रेल्स बनाता हूँ, वहाँ पे एक एक रात के अंदर मैं 1000 एक्सपोजर शूट करता हूँ, तो 1000 एक्सपोजर अगर मैं मैकेनिकल शटर से यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा मैकेनिकल शटर की लाइफ रिड्यूस होती है, एंड प्लस नेचुरली बैटरी भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है। मैं अब इलेक्ट्रॉनिक शटर से टाइमलेस बना सकता हूँ क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक शटर में एक तो बेंडिंग या फ्लिकर नहीं आ रहा है, एंड दूसरा जो आपके कैमरे की लाइफ इंक्रीज हो रही है, एंड प्लस डिस्टॉर्शन बिल्कुल नहीं है। तो ये तीन जो मेजर फीचर है जिसकी वजह से मैंने इसको लिया है, एंड 50 मेगापिक्सल का जो रिजोल्यूशन है वो हम सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस मेगापिक्सल की, एंड जहाँ तक मेरे को इसका ग्रिप, इसका आउटपुट, ये जो इसकी ट्रांसफ़र रेट है, जो इसकी स्पीड है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है, दैट्स वाई मैंने इस कैमरे को ऑप्ट किया है। दोस्तों अब मैं थोड़े दिनों बाद एक वीडियो और पोस्ट करूँगा आप लोगों के लिए जिसके अंदर मैं एक्चुअल में आपको दिखाऊँगा विदाउट पिक्सल शिफ्ट रिजल्ट्स एंड पिक्सल शिफ्ट रिजल्ट्स में क्या फ़र्क होता है, हाई रिजोल्यूशन 200 मेगापिक्सल की फाइल्स कैसी दिखती हैं, एंड हाई स्पीड सिंक्रोनाइजेशन और स्लो सिंक्रोनाइजेशन का क्या डिफरेंस आता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, एंड मैं भी खुद बड़ा बेताबी से इस कैमरे को यूज़ करने का इंतज़ार कर रहा हूँ, बस आज आपके सामने अनबॉक्सिंग की है, अभी से मैं इस कैमरे को यूज़ करने लग जाऊँगा, एंड जल्दी से जल्दी आपके सामने मैं इसका एक रिव्यू मैं पोस्ट करने की कोशिश करूँगा, एंड उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, एंड फ्यूचर में मैं इसी तरीके के वीडियोज़ आप लोगों के लिए पोस्ट करता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।